अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की सुबह हुई है सामखियारी स्टेशन से, एंड आप देख सकते हैं हम अभी कैब में बैठ चुके हैं और रास्ते पे जा रहे हैं और सनराइज भी हो रहा है। तो बस ये एक नया दिन है, इसे अपने बाकी जीवन का पहला दिन होने दो यार, जो एक रात पहले हुआ हो या तो यू नो जो पास्ट में हुआ हो, बस उसे भूल जाओ एंड स्टार्ट विथ फ्रेश। सो आप देख सकते हैं कि ये गाँव की गलियाँ हैं, एंड हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी तो हमको पहुंचना था कुछ 4 बजे, बट हम पहुंचे हैं सामखियारी 5 बजे के आसपास। और आप अभी देख सकते हैं पापा सुबह सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहे हैं। सीताराम मम्मी, हाथ पैर तो धो लो, आके बैठ गए तुम लोग। किधर है नींबू? अच्छा इधर है। हाँ कितने सारे। हाँ। गुड मॉर्निंग पीपल। तो अभी हम गांव पहुंच गए हैं और ये है हमारा घर। वेल, घर का टूर मैं आपको बाद में बताती हूँ, बस अभी फ्रेश होना है, नहा धो के आपको मिलती हूँ। ओके बाय। आई नो आई एम साउंडिंग लिटिल वेरी टायर्ड बिकॉज रात को सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है। कन्नू 3 बजे ही उड़ गया था एंड मम्मा स्टेशन आ जाएगा स्टेशन आ जाएगा। तो बस अभी आपको फ्रेश वगैरह होके मिलती हूँ। बाय बाय। कैसा लग रहा है तुमको गाँव आके? ठीक है ना, अच्छा ही लग रहा है। गाइज अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में खाना था जलेबी फाफड़ा, पर जलेबी नहीं मिला है। खा रहे हैं फाफड़ा और ये क्या है, चटनी। तो ये फाफड़ा और इधर मिर्ची और इधर ये मिर्ची खा रहे थे। हाँ मतलब पूरी जो है खा रहे थे, मजा ना आने का होगा। ये लहंगा मैं पहनूं? हाँ पहनो ना प्लीज। अरे बाप रे, ये मैं कैसी लगूंगी फिर पहनने पे? अच्छे लगे। ठीक है चलो लेट्स ट्राई गाइस। तो कोमल ने मुझे ऑफर किया है ये लहंगा पहनने के लिए, तो अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा लगेगा ना पक्का कोमल? पक्का लगेगा। हाँ कैसा लग रहा है नीलू? अच्छा है, अच्छा है। गाइस लेट मी नो कैसा लग रहा है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ओके गाइस, तो हम देखो एकदम देसी स्टाइल में रेडी हुए हैं। मैं आगे जाती हूँ और मैं कोमल को दिखाती हूँ। ओके और आपने तो मुझे देख ही लिया है। अरे यार इसको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो मैंने कोमल को ये कहा कि मैं अकेले क्यों रेडी हूँ, चल तू भी साथ में रेडी हो जा, हम साथ में फोटो सेशन करेंगे। तो कोमल मजा आया मेरे साथ फोटो शूट करने में? बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच, तूने मुझे इतना यू नो मोटिवेट किया ये कपड़ा पहनने के लिए। अच्छा ये बता, ये कपड़ा भरा हुआ है, हाथ से भरा हुआ है? हाथ से भरा हुआ है। ओके सो यहाँ का ना एक ही बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब आप वो बोल सकते हैं ना कि हैंडवर्क चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड यू कैन सी माय ड्रेस, ये पूरा हाथ से भरा हुआ है, लिटरली लाइक एवरी काम। सो अभी मुझे ये निकालना है क्योंकि ये बहुत हैवी है और मुझसे ना अभी ये हो नहीं रहा है बर्दाश्त। क्या कर रही? फोटो सेव कर रही हूँ जो भेजना है कोमल को, हमने साथ में फ़ोटो शूट किया है तो बस अभी उसी को सेव कर लूँ। थोड़ा पीछे ले जाओ यार। हाय गाइस, अगेन अवतार चेंज। मैंने वो लहंगा चोली निकाल दिया एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सी साड़ी। ओके क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो आई गेस आप ब्लॉग में मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे साड़ी वाले अवतार में देखते रहेंगे ना, यूजुअली इट इज़ वेस्टर्न या कुर्ती वगैरह, बट साड़ी में इट इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट फॉर यू गाइस। तो क्विकली मैं आपको मेरे घर का रूम टूर करवाती हूँ। सो गाइज ये है मेन गेट, पीछे यहाँ से हम आते हैं एंड आप देख सकते हैं मेन रोड है गेट को लग के ही, एंड देन टेक अ टर्न टाडा। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस, ये है हमारा मेन डोर, टिपिकल देसी स्टाइल। ओके बूम। ओके ये एक रूम है, वेल इसमें कोमल रहते हैं, कोमल एंड उनकी फैमिली रहते हैं, ये हमारे घर का टेक केयर करते हैं। एंड ये है रूम नंबर 2। ओके एंड हियर कम्स द मेन घर, देन द डोर इज ओपन। ये है हॉल। ओके इग्नोर द मेस अराउंड प्लीज।
नीलेश एंड मयूर. ओके सो आपको हॉल दिखा दिया एंड ये है रूम नंबर 2. और सो इट्स जस्ट अ सिंपल सा एक घर हमारा गांव में. सॉरी ये रूम नंबर 1 था, हॉल के बाद 1, ये दूसरा रूम. विल गो इन किचन. ये किचन है, मम्मी यहाँ पे काम कर रहे हैं. ये है हमारा छोटा सा घर गांव में, तो आपको रूम टूर दे दिया. मैं घर का पीछे का बैकयार्ड पार्ट आपको नहीं दिखाई हूँ, वहाँ पे लेके चलती हूँ. वेल बहुत धूप है और ऐसे ना आँखों पे लगने वाली धूप है, और मुझे यहाँ पे ना ग्लेयर्स पहनने में थोड़ी सी शर्म आएगी, तो मैं ग्लेयर्स के बिना ही घूमूंगी गाँव में. अभी मैं पीछे जा रही हूँ. तो ये पीछे का एरिया है घर का एंड टाडा लेमन नींबू का झाड़ है. और ये आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी नींबू भी है. नीचे नींबू गिरा है, ये देखिए छोटे छोटे कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. ये है पपैया का झाड़, इस पर आप पपैया भी देख सकते हैं. नींबू तो बहुत सारे. वेल जहाँ मुंबई में नींबू इज हाईली इन डिमांड, 35 रुपये के 3 मिलते हैं, यहाँ पे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. एंड ये एक झाड़ है पीछे, किस चीज़ का झाड़ है मुझे पता नहीं. तो ये पीछे का पोर्शन आपको दिखा दिया. अभी मार्केट जाना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे एंड 2-3 रिलेटिव्स के घर पे भी जाना है. तो आई डोंट नो मैं वहाँ पे कितना व्लॉग करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट या आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कैप्चर थिंग्स एंड आपको दिखाती रहूँ. तो गाइज अभी हम आए हैं मयूरी के घर पे. बहुत धूप है यार, बहुत धूप है. नींद भी नहीं हुई है कल, सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है. और गाँव में तो सब इतना जल्दी जल्दी हो जाता है. हमने लंच भी 11 बजे कर लिया था, ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे कर लिया था. तुम लोग सब सो रहे हो, सो जाओ, बाय. ये है रापर मार्केट. जी हाँ पक्का यही शॉप है. पे हम अभी ड्रेसेस लेने आए हैं गाइस. 950 से कितना सिंगल. ये शॉप पे अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं और ये सारी चीजें ली है. सो गाइस शॉपिंग करके घर पे आ गई हूँ, बट है ना बहुत नींद आ रही है, बट सोने नहीं हो रहा है. इन लोगों तो नींद भी नहीं आ रही है यार. हम लोग लेने गए थे अभी पानी पूरी. हाँ इन लोग लेने गए गुजरात के स्पेशल. तो इन लोग लेकर आए पानी पूरी एंड अभी जिया सबको सर्व करेगी बढ़िया पानी पूरी. कम ऑन जिया, पानी पूरी पानी दिखता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा. सब कुछ कैप्चर करके आपको बताऊंगी. तो पापा अभी लेकर आए पपैया का समोसा, तो हम लोग अभी ये खाएंगे. बट इट इज़ नॉट पका हुआ पपैया, इट इज़ कच्चा पपैया जो यहाँ का काफ़ी फेमस है. कैसे खाते हैं पापा बताओ, कैसे खाते हैं इसको? चटनी डालने को खाने का बस. और कांदा डालने का खा सकते. कैसा है नीलेश? अच्छा है. संगीता का देसी अवतार. ओके तो हमारा अभी मिलके हो गया है. And we are going. Bye bye. Bye. ज्योति का व्लॉग मेरे बिना अधूरा. हाँ अब स्पेशली रापर वाला. हाँ रापर वाला. चल बाय. सो गाइज अभी हम घर आ गए एंड गाँव में कैसा एवरीथिंग सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे खाना बोलो, लंच बोलो, डिनर बोलो. तो हमारा डिनर भी ऑलमोस्ट 7 बजे ही हो गया है एंड वी आर बैक होम. तो बस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं एंड बस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट. एंड आई एम डैम टायर्ड, मुझे बहुत जल्द अभी सोना है क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है. एंड कल क्यों जल्दी उठना है वो आपको पता चल जाएगा. तो आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए बिग 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 थैंक यू. सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आ जाएगा 2-4 दिन में आ जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे अपलोड के इशूज़ हो रहे हैं, फिर भी मैंने कल वाला ब्लॉग आज के दिन जैसे जैसे अपलोड कर दिया है. आप प्लीज़ जाके देखो, सारे व्लॉग्स देखते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए. टिल द टाइम टेक केयर, बी सेफ, टाटा.